सेकंड रुकिएगा। ओके संजीव, अभी राहुल गांधी जब भाषण देकर निकले गाड़ी में बैठ रहे थे तो मीडिया वालों से पूछा, साथियों स्पीच अच्छी लगी? यानी उनको भी पता है कि भाषण अच्छा दे के आए हैं, खूब तालियां पड़ी हैं। आप राहुल गांधी का ये जो नई पारी है इसको आप राहुल 2.0 मानते हैं, राहुल 3.0 मानते हैं, क्या मानते हैं? पता नहीं, मानक 2.0 3.0 जो भी है, ये राहुल गांधी का 2024 के इलेक्शन कैंपेन, उससे पहले भारत जोड़ो यात्रा, फिर न्याय यात्रा, और अब ये नेता प्रतिपक्ष का पद स्वीकार करना, उसको एक्सेप्ट करके, और एक ऑपोजिशन की वॉइस, जनता की आवाज बनने का प्रयास करना, उनके शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो ये उसके एक नए कॉन्फिडेंस को दिखा रहा है, एक नई प्रतिबद्धता को दिखा रहा है। और ये तो उसके विरोधियों को भी मानना पड़ेगा कि वो पप्पू टप्पू चप्पू वाले दिन लद गए। अभी कोई राहुल का हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। मजाक नहीं उड़ा रहा, वो हार्डकोर बीजेपी वाले उड़ाते रहे तो वो अपना ही नुकसान करेंगे, उसका उपहास उड़ा के, उसका मजाक उड़ा के। राहुल गांधी की जिम्मेदारी है वो खुद को जैसा नहीं करे कि उसको वापस से उस कटघरे में खड़ा करने का सफल प्रयास कर पाए बीजेपी। तो अभी तक तो उसने सारे संकेत बहुत एक प्रतिबद्ध और समझदार नेता के दे रहा है, जो बेसिकली मुझे तो वो और आज की अच्छी बात जो सबसे ज्यादा थी कि उसने हिंदी में भाषण देने की कोशिश नहीं की, उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट इंग्लिश लैंग्वेज है। तो जिसका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, अगर मोदी जी अंग्रेजी में भाषण देने की कोशिश करेंगे तो कई बार दिक्कत में फंसेंगे, क्योंकि आपकी जो लैंग्वेज और कम्युनिकेशन है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। और तो वो अपने अपने विकेट पे, अपने स्ट्रांग विकेट पे खेल रहे हैं, जैसे जैसे हिंदी इंप्रूव होगी हिंदी पे आ जाएंगे। और ये कोई भाषा की लड़ाई नहीं है, जिस ढंग में, जिस परिवेश में आप बड़े हुए हैं, जिस तरह के स्कूल कॉलेज में गए हैं, जिस भाषा में आपने सोचा है उसी भाषा में बोलिए। तो वो तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं राहुल गांधी। और ये जो आज का भाषण था, जैसे आपने भी कहा मानक कि उनको सम्मान मिल रहा है या सरकार के तीन तीन चार चार मंत्री खड़े हुए, ये सिर्फ और वो पहले क्यों नहीं मिलता था, सब समय का खेल है, गणित का खेल है। अगर अब भी अब की बार भी 40 पे नहीं पड़ते तो आज कोई नहीं खड़ा होता, सब पप्पू कह रहे होते, सब उपहास उड़ा रहे होते। तो आपको समय के साथ चलना पड़ेगा, और समय बलवान है और समय बदलता रहता है। बिल्कुल सही, 10 साल तक कुछ और समय था, अगले 5 साल का कुछ और समय दिख रहा है, तो उसके साथ सबको सहज होना पड़ेगा। और बियॉन्ड अ पॉइंट, ये आपने बिल्कुल सही बात कही कि भाई हिंदुत्व की राजनीति का, मैं यही पूछ रहा था आपसे, राजनीति में किसी, मैं यही पूछ रहा था, अभी शांतनु ने भी यही कहा, देखिए वहां पर ऐसा लग रहा है अयोध्या में और बाकी यूपी में भी जाति की राजनीति जीत गई और धर्म की राजनीति ऐसा लगता है कुछ हद तक नहीं चली इस बार वहां पर। आप भी मानते हैं कि इस बार बीजेपी गलती कर रही है राहुल गांधी के भाषण से, सिर्फ वो हिंदू वाला एंगल पकड़ रही है? देखिए ये गलती और सही, जब वीपी सिंह ने मंडल की राजनीति लाए तो बीजेपी कमंडल की राजनीति लाए, जब बीजेपी की कमंडल की राजनीति चरम पे थी हिंदुत्व की, तो और वो कमंडल के साथ जाति की राजनीति भी कर रहे थे, जिस तरह सोशल इंजीनियरिंग से टिकट बट रहे थे, तो उसका तोड़, उस धर्म की राजनीति का तोड़ सिर्फ जाति की राजनीति हो सकती थी, वो विपक्ष ने कार्ड प्ले किया। अब दोनों ये भूल ना करें कि जनता धर्म के नाम पे वोट दे रही है, सिर्फ जाति की। इस सरकार को मैंडेट मिली है सरकार चलाने की, ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए, चाहे कम जनादेश के साथ, लेकिन ये वोट उनके दर्प और अहंकार और एक तरफा एकला चलो रे मैं अकेला सब पे भारी वाली राजनीति या सोच के खिलाफ मतदान हुआ है। और आज बहुत अच्छी बात है, मैं चरणजीत सापरा चाहे कितना भी कहें मजबूत की मजबूर, लेकिन प्रधानमंत्री की इस बात को अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि उन्होंने नेता प्रतिपक्ष का पूरा भाषण बैठ के सुना और सुन के जवाब देने की कोशिश की। अब ये जरूर है कि जवाब को गलत एंड पे पकड़ लिया। देखिए ये तो बात स्थापित हो गई है कि सारे हिंदू बीजेपी सोच के नहीं है ना, तो आप अगर वो आपकी तरफ इशारा करके राहुल गांधी बोल रहे हैं कि हिंसा के नफरत फैला रहे, तो आप उसको सारे हिंदुओं पे उस जाल को फेंक के सोचेंगे कि कुछ हो जाएगा, तो वो तो समय निकल गया।
आपको भी नए बीजेपी को मतलब बीजेपी को भी नए समय बदले हुए समय के अनुसार राजनीति करने का प्रयास करना चाहिए। और अच्छा तो कितना अच्छा हुआ वो एक यूटोपियन ड्रीम कि सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष मिलके भारत की तरक्की का काम करे। हो ठीक है, बहुत बढ़िया, नहीं बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली यही तो है। अब शांतनु आप भी बताइए, मानक जी शांतनु अभी आ रहा हूं साप्रज, एक सेकंड शांतनु, क्या धर्म की राजनीति उसकी जो लिमिटेशन है वो इस बार सामने नहीं आ गई, इसलिए बीजेपी क्या गलती नहीं कर रही, राहुल गांधी के भाषण में सिर्फ एक हिंदू वाला एंगल निकाला है? नहीं, मेरे ख्याल से यहाँ पे हर चीज राजनीति नहीं है। अगर अगर राहुल गांधी कहेंगे कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसक होते हैं, तो कोई भी जो प्रैक्टिसिंग हिंदू होगा वो उसका विरोध करेगा ही करेगा। तभी मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री जिस तरह से खड़े हुए विरोध नहीं, तुमसे रहा नहीं गया एक प्रैक्टिसिंग हिंदू। और देखिए बिल्कुल ठीक कहा, भाजपा आरएसएस हिंदुओं की ठेकेदार नहीं है, लेकिन राहुल गांधी तो हिंदुओं को गाली देने के ठेकेदार बनते जा रहे हैं। एक नई बात पता लगी, संजीव जी ने बताया कि रायबरेली उत्तर प्रदेश का सांसद अंग्रेजी में सोचता है। अब ये भी बातें हमें पता लग रही है, उत्तर प्रदेश से तो वो छिड़ करते ही थे। देखिए मैं देखूंगा कि वो एज अ एलओपी का सबको साथ लेके चल पाएंगे क्या। आज अखिलेश जी, मेरे ख्याल से अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है, उनको आपके चैनल के माध्यम से बधाई भी, लेकिन मेरे पास सोशल मीडिया से पोस्टर आ रहे हैं भावी प्रधानमंत्री अखिलेश यादव, ऐसे कई पोस्टर है, मैंने ट्वीट भी कराया है कई सारे। तो अब तो चैलेंज ही हो गया कि कौन है। जब जब अविश्वास जब वो आया इमरजेंसी वाला प्रस्ताव, उस पर टीएमसी नहीं खड़ी हुई, उस पर डीएमके नहीं खड़ी हुई, उसमें समाजवादी पार्टी करी 90 से ज्यादा जिन पार्टियों के सांसद है वो नहीं खड़े हुए। तो राहुल गांधी सबको साथ में लेके चले चल पाएंगे क्या? अभिषेक बनर्जी कहते हैं कि हमने तो डिवीजन ऑफ वोट मांगा था स्पीकर के चुनाव में, जरा मरमेज बाहर जाके कहते हैं कि हमने तो नहीं मांगा था। तो लीडर पोजीशन को ये सब भी देखना है कि मेरे साथ मैं सबको लेके चल पाऊंगा क्या, या मैं थोड़ा सा शूशा करके निकल जाऊंगा फिर कहूंगा मेरी स्पीच अच्छी लगी क्या। वो तो लड़कपन ठीक है, वो लड़कपन से उनको नेता पे आना पड़ेगा। संजीव जल्दी से 20 सेकंड्स, संजीव बस मैं बहुत ही एक क्विक कमेंट सिर्फ शांतनु की बात पे, जो बहुत समझदारी की बात करते हैं हमसे, बस मुझे ये लगता है कि ये सोच भी हमें छोड़ना पड़ेगा, ये भी हमारे को थोड़ा संकुचित बनाती है। देश में एक बहुत बड़े तबका हिंदी बोलता है, हिंदी में सोचता है, लेकिन हम उसको सर्वोपरि मान लें सबसे, तो पूरे दक्षिण भारत को, बड़ी संख्या है पूर्वी भारत को, उसको क्यों काट रहे हैं अपने आप से? हमारा देश ही विविधतापूर्ण है। अरे भाई तो सबको मालूम है वो अंग्रेजी बैकग्राउंड में बड़े हुए, अंग्रेजी स्कूल में गए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। जितने लोग अंग्रेजी स्कूल में जा रहे हैं और अंग्रेजी बेहतर बोलते हैं हिंदी से, तो उन्होंने कोई गुनाह थोड़ी किया है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि वो अपने स्ट्रॉन्ग विकेट पे खेले। आपको जो भाषा कम आती है उस पर पहले पूरी तरह पारंगत होइए, फिर उस पर आइए, बिल्कुल सही है, वो बात अच्छी है। और किसी को इस तरह से बांटना या नीचा दिखाने की कोशिश या उसमें कमी निकालने की कोशिश, ये इस पॉलिटिक्स की भी लिमिट आ चुकी है। ओके,